आज हम बात करेंगे वो 24 घंटे जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं एग्जाम से पहले, वो पल जो एग्जाम में टॉप करने वाले और लूज करने वाले को एक बड़ी खाई में बांट देता है। कभी इस बारे में सोचे हो? तो चलिए ये वीडियो में उसी के संबंध में करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉपर्स टॉप कैसे करता है। देखो, पढ़ने के लिए आपको आता ही है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना ये सब जानते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉस यदि कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो लिखने का तरीका, अभी एक बात मेरी याद रखो, टॉपर्स वो उतना ही, मैं टॉपर्स को एक पॉइंट एक जगह बना लेती थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो तुम वीडियो पे नहीं आते। कुछ बातें मेरी है जो तुम तक है वो ये है, मुझे माफ करना, लेकिन ये पूरी तरह से टॉपर्स का रास्ता आपको अपना देगी। पहला कि तुम्हें लिखना क्या है, एग्जाम हॉल में विपरीत परिस्थिति होती है स्टूडेंट का, उस समय तुम्हें लिखना क्या है, टू दी पॉइंट लिखना है बस। लिखते लिखते हम लोग भरमार लगा देते हैं, एक्सपेक्टीज होता है हमारा कि यहां से वहां से कहीं और से कुछ तो कुछ मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइनली जो हमारे कंटेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में कंटेंट हमसे खत्म हो जाते हैं और हम लॉस हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, एग्जाम लिखते समय हम क्लियरिटी पे ध्यान नहीं देते। यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको तो लिखना ही पड़ेगा क्लियर, और इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं वो यदि रनिंग राइटिंग में लिखते हैं तो उसके फायदे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लिखने की प्रोसेस होती है। चौथा ही छोड़ना था, आपको पता ही है, फिर भी मेरे 90% स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। चौथाई क्या है ना, सही बात। तीसरी बात, एग्जाम के समय उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए जो क्वेश्चन पे आपकी पकड़ अच्छी हो, है ना। मान लो कि 20 क्वेश्चन आपके याद हैं, ठीक है, 100 में से 20 क्वेश्चन आपको याद है और वो 20 क्वेश्चन लिखे। देखो एग्जाम दो तरह का होता है, एक होता है फेवर ऑफ एग्जाम, एक होता है प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। कभी कभी तुम सोचता होगा, कभी कभी देखता होगा कि अरे उसका जो बेटा है ना, बहुत टीम खेलता था फिर भी टॉप कर गया। भाई मेरे, वो टॉप किया है, लिखा होगा तब टॉप किया, उसके जो ससुर जी नहीं बैठे एग्जाम कंट्रोलर हैं, वो टॉप लिखा होगा तभी तो टॉप किया। अब लिखा होगा क्या, अब तो चोरी करना पॉसिबल है नहीं। चोरी करना पॉसिबल ही नहीं है तो क्या है, तो चोरी करके दिखा दो भाई। एग्जाम में यदि चोरी कर ही लोगे कितना कर सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, अब चोरी नहीं होती, वो दौर बीत गए। तो क्या होता है, कैसे कैसे वो लोग ऐसे करता है, देखो उसको ना, जो बैक बेंचर होते हैं, एक्चुअली जो बैक बेंचर होते हैं, जो इस तरह की कम पढ़ने में भी नंबर लेके आते हैं, वो ना फोकस्ड होते हैं कि 20 क्वेश्चन उसके हैं पढ़े हुए, 20 क्वेश्चन को देख के जाते हैं। और जो जीनियस का बात कर रहा हूं, वो क्या करता है कि सारे क्वेश्चन पे हाथ मारने के चक्कर में वो फेल हो जाता है, नंबर कमाता है। अक्सर जीनियस कभी भी अच्छे नंबर नहीं लाता, यही रीजन है, क्योंकि वो ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा विचार, उसके जो एरियाज हैं वो डेवलप होने लगता है। बस यही तुम्हें रुक जाना है, यही एक की पॉइंट है कि परीक्षा जितना तुमने साल भर पढ़ा पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, और नहीं पढ़ा तो घंटा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, कोई यूट्यूबर तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। यदि तुमने साल भर पढ़ा है और अच्छे टीचर के संपर्क में रहा है, मैं सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बुक एनसीईआरटी ही पढ़ना है और वो टीचर को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, तुमको देना है, तो एग्जाम कैसे दोगे तुम्हें पता होना चाहिए। तो उन सो कॉल्ड टीचर की मैं बात नहीं करता, और बड़े बड़े बुक्स से बेटर है कि जो उस बोर्ड के बेस्ट बुक है उस ही बुक को पढ़ो, उस बुक को ज्यादा देखो। अरे पता है सिलेबस नाम का भी चीज होता है, कभी सिलेबस उलटाओ और देखो कि इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पर हमें पता नहीं, कोई टीचर ने कह दिया फलाने ने कि भाई साहब ऐसा है कि ये क्वेश्चन कर लो, क्यों, वाई द बुक रिलेटिव, बहुत बड़े राइटर का जैसे कि आर.एस. अग्रवाल, वो तो है ही, लेकिन देखो तो तुम कौन क्या कर रहे हो, एग्जाम 2 दिन बाकी है और क्या तैयारी कर रहे हो। सबसे बेटर कि जो तुम तैयारी तुम्हारा है, जिस चीज की तैयारी उसी की तैयारी करो, दिमाग बिल्कुल यहां, मतलब क्योंकि उतने क्वेश्चन तुम्हारे 100% हो गए, बस यही करके जाओ, लक और
और फेवर, ये दो अलग चीज होती है, प्रिपरेशन अलग होती है। कोना कोना याद करने से भी कभी कभी नहीं होता काम, कुछ काम होता है तो थोड़ा याद करके भी पूरा काम हो सकता है। मान लेते हैं कि तुम पूरे बुक याद किए हो और 20-25 क्वेश्चन क्या है तुम छोड़ दिए हो कि भाई ये मुझे नहीं पढ़ना, अभी बहुत टेंशन हो गया, और कोई बैकबेंचर है या कोई घुसकुलवा है, कोई बेकार बच्चा है जो सिर्फ वही 20 याद किया, अब बताओ टॉपर कौन हुआ? नहीं, मुझे इसका जवाब दो, टॉपर कौन हुआ, कौन पढ़ने में तेज हुआ, है जवाब? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि एग्जाम से 24 घंटे पहले उन क्वेश्चनों को ज्यादा देखो जिसकी प्रिपरेशन आपको खुद को है, खुद से है जो प्रिपेयर, वही क्वेश्चन आपको देखो, वही क्वेश्चन आपको हेल्प मिलेगा। बाकी घंटा पढ़ते नहीं पढ़ने वाला, बड़े बड़े शॉर्ट्स, बड़े बड़े वीडियो मत देखो, कुछ मत करो, स्किप करो, बंद कर दो वीडियो और चले जाओ। उन क्वेश्चन को ज्यादा देखो जिस पे एक्चुअल में कमांड है। याद रखना, बड़े बड़े टीचर की लेक्चर और बड़े बड़े टीचर्स की वर्क, एग्जाम एनसीईआरटी हो या फिर बुक बेस्ड जो भी सीबीएसई हो या कोई भी बुक, तो जो उस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक होगा वही बुक आपके लिए बेस्ट होगा, तो उसको ज्यादा फोकस करो, इधर उधर करने से बेटर है। 3 इडियट वाली फिल्म समय आने पे होगी, है ना, ये बॉलीवुड है बॉस, जीनियस को हमेशा इडियट ही दिखाया जाता है और बैक वेंचर को हीरो, नहीं पता है, इससे बचो। धन्यवाद, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, और लाल बटन है यदि